जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस के छापे में सनातन संस्था से सहानुभूति रखने वाले सातारा से संबद्ध गोवंश रक्षा समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से पिस्तौल, देसी बम और जिलेटिन की छड़े बरामद होने के बाद चिंता व्याप्त हो गई है। दक्षिण पंथी हिंदू संगठन के इन सदस्यों की गिरफ्तारी से साबित हो रहा है कि एक दौर में देश में साम्यवादी विचारों के प्रभाव से पनपे उग्रवाद वामपंथी आंदोलन से माओवादियों के अवशेष आज भी मिल रहे हैं, तो इसी के तर्ज पर ये दक्षिण पंथी अतिवाद में यकीन कर उसी राह पर है। अब इस छापों के बाद देश में शांति को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे समाज लड़ेगा या कानून, यह देखना लाजमी होगा। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए। एक दौर में साम्यवादी विचारों के प्रभाव में इस देश में श्रीकाकुलम और नक्सलबाड़ी में उग्र वामपंथी आंदोलन पनपा और आज भी माओवादियों के रूप में उसके अवशेष छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। मौजूदा घटना से साबित हो रहा है कि दक्षिण पंथी विचारों के अतिवाद में यकीन करने वाले उसी राह पर है। कोई भी संस्था या संगठन हथियार तभी उठाता है जब उसे लगता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को अपने विचारों से सहमत नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें अपने विचारों को तेजी से फैलाने के लिए उग्रवाद का रास्ता ज्यादा कारगर लगता है। महाराष्ट्र में काम करने वाली इस संस्था की गतिविधियों के बारे में सुराग कर्नाटक के उस विशेष जांच दल ने दिया जो कि पिछले साल बेंगलुरु में मारी गई पत्रकार गौरी लंकेश के मामले की जांच कर रहा है। सुरक्षा बलों की संदेह के अनुसार नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी सभी की हत्या के तार उस सनातन संस्था से जुड़ते हैं। गौरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाने वाले वैभव रावत और उनके साथ पकड़े गए दूसरे लोगों के संबंध शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संभाजी भिड़े से बताए जाते हैं, जो इस साल के आरम्भ में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में संदेह के घेरे में है। वैभव रावत और उनके कुछ साथियों से ईमेल और आपसी बातचीत से जो जानकारी मिली है वह हथियारों की आपूर्ति की कड़ी को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक ले जाती है और यह भी पता चलता है कि वे महाराष्ट्र में हथियारों की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे। मध्य भारत को केंद्र बनाकर चल रही ये गतिविधियां 1947 के विभाजन के समय की याद ताजा कर देती है। आज अगर फिर यह स्थिति बन रही है तो इससे उस भारतीय जनता पार्टी की वैधता के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होती है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर और संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आई थी। देखना है कि इससे संविधान लड़ता है या समाज।